हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड एंड आई एम योर फूडी फ्रेंड श्वेता। आज हम बनाएंगे कुकीज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, और बाकी का बचा हुआ हम स्ट्रेनर से रिमूव कर देंगे। अब ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर, अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो नॉर्मल शुगर है उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, तो वो भी पाउडर शुगर के जैसा ही काम करेगी। हाँ, बाकी बचे हुए को आप स्ट्रेनर से रिमूव कर दीजिए, एक सेपरेट कप में निकाल लीजिए। एंड अब ऐड करेंगे हम 3/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, एंड 1/3 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब हम ऐड करेंगे इसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसका डो जो लगाएंगे वो हम दही से लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही लिया है एंड 1/4 मिल्क मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के मैंने इसे रेडी किया है, और अब इसी से हम हमारा डो रेडी करेंगे। हमें एक साथ सारा दही नहीं डालना है, धीरे धीरे हमें डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा दही डालते रहना है, दही एंड दूध का जो हमने पेस्ट बनाया था। और देखिए इस तरह से आपको घूमना है। देखिए अब ये डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और आपको इसे बिल्कुल सॉफ्ट लगाना, जैसे हम रोटी बनाने के लिए जो रोज़ आटा लगाते हैं उसको बिल्कुल वैसे सॉफ्ट डालना है। हल्का सा घी डाल के इसको लगाइए, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और अब इसे 1 घंटे के लिए हमें ढक के रख देना है। 1 घंटा हो चुका है, और चेक कीजिए बिल्कुल फ्लफी सा हो गया है। अब इसे सॉफ्ट हाथों से आप इसे राउंड कीजिए, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए, आप बहुत सॉफ्टली इसके 2 पार्ट्स कीजिए, और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको एक बड़ी लोई बनाइए इसकी। और अब एक सरफेस पे थोड़ा सा मैदा ऐसे फैला के इसको बेल लीजिए, और आप ध्यान रहें कि हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और किसी कटोरी या किसी ग्लास की हेल्प से आप इसकी शेप्स काट सकते हैं। इसे हल्के हाथ से ही बेलिए, और देखिए मैंने इन्हें काट के रेडी कर लिया है। इन्हें बेक करते हैं। मैंने माइक्रोवेव ओवन को पहले ही 160 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर दिया था। अब हम कन्वेंशन मोड पर 160 डिग्री पर 15-18 मिनट्स के लिए इन्हें बेक होने देंगे। देखिए कितने फूल गए हैं, और अब टाइम ख़त्म हो गया है, और मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और ठंडा कर लिया है। देखिए कितने परफेक्ट मार्केट जैसी कुकीज़ बनी है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इनका। ठंडा होने के बाद आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखें। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।